हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये है राधा का घर। देखते हैं आज रूपा की कहानी में क्या होता है। इधर सुबह का वक्त है और इधर राधा और राधा का बेटा गुड्डू सोए हैं और इधर राधा का पति रामू भी सोया है। तभी गुड्डू की नींद खुल जाती है और गुड्डू उठ जाता है। भूखी लगी भूखी लगी भूखी लगी, मम्मी मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी। अरे गुड्डू क्या हो गया, सो जाना क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहा है, हमेशा इस लड़के को भूख लगती है। ये बोलकर राधा सो जाती है। भूख लगी भूख लगी भूख लगी, खाना खाना भूख लगी, दूध पीना पीना दूध पीना, भूख लगी भूख लगी। और इधर गुड्डू अपने पापा को भी जगाने लगता है। पापा भूख लगी, पापा भूख लगी, पापा भूख लगी। अरे गुड्डू बेटा क्या हो गया, क्यों मुझे परेशान मत कर, जा अपनी मम्मी को बुला ला, तुझे भूख लगी है, मम्मी खिला देगी। ये बोलकर रामू भी सो जाता है। लामू सो जाता है। मामा पापा मम्मी सुनी नहीं भूख लगी। और इधर गुड्डू को बहुत ही ज्यादा भूख लगने पर गुड्डू किचन रूम को जाने लगता है और इधर उधर किचन रूम में देखने लगता है। कुछ भी नहीं मिल रहा है गुड्डू को। कुछ नहीं, किचन रूम में कुछ नहीं, भूख लगी, मुझे खाना खाना दो, भूख लगी, दूध पीना भूख लगी। और इधर गुड्डू को भूख लगने पर गुड्डू बहुत ही जोर जोर से लोला है और इधर किचन रूम में गुड्डू को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इधर गुड्डू बहुत ही जोर जोर से नीचे लेट कर लोला है। भूख लगी मम्मी पापा भूख लगी। और इधर राधा और रामू गहरी नींद से सो रहे हैं, कोई भी गुड्डू की आवाज नहीं सुन रहा है, रोने की आवाज। गुड्डू की रोने की आवाज सुनकर परिंदे चेंचलाते हैं और इधर परिंदा गुड्डू की आवाज सुनकर चिल्लाने लगते हैं और इधर गुड्डू परिंदों की आवाज सुनकर उड़ जाता है। परिंदे पक्षी परिंदे ही परिंदे परिंदे। और इधर गुड्डू परिंदों की आवाज सुन लेता है और सीढ़ियों में जाने लगता है। अरे राधा जग जाओ, देखो गुड्डू सीढ़ियों में जा रहा है छत को। अरे ये लड़का तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है, ये सीढ़ियों में नहीं जा सकता। अरे ये कैसे जा रहा है, इधर गुड्डू के पैर सीढ़ियों में नहीं पाले हैं। और इधर गुड्डू जबरदस्ती ऊपर जाने लगता है और इधर गुड्डू जा रहा है, तभी सीढ़ियों से उसकी पैर फिसल जाती है। आ हाँ, और इधर सीढ़ी गुड्डू के ऊपर गिर जाती है और इधर गुड्डू बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। अरे अरे ये राधा और राजू उठ क्यों नहीं रहे हैं, ये भगवान ये सीढ़ी गुड्डू के ऊपर गिर गया है। और इधर गुड्डू के ऊपर सीढ़ी गिर जाती है, ये भगवान अब गुड्डू को बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है, ये राधा उठ क्यों नहीं रही। और गुड्डू के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर राधा जग जाती है। अरे ये लड़के की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, ये तो गुड्डू यहीं सो रहा था। अरे मैं देखती हूँ कहाँ से आवाज आ रही है, ये गुड्डू कहाँ रो रहा है। और इधर राधा उठ कर आ जाती है। अरे गुड्डू बेटा, अरे तू यहाँ कहाँ से आ गया, ये भगवान ये सीढ़ी गुड्डू के ऊपर गिर गई, मैं जल्दी से उठाती हूँ, ये भगवान इतनी भारी सीढ़ी गुड्डू के ऊपर। हाँ मम्मी मम्मी सीढ़ी उतनी सीढ़ी, ये भगवान कितना खून बह रहा है मेरे बच्चे का, ये सीढ़ी यहाँ क्यों आया था ये लड़का। अरे मैं रामू को जगाती हूँ। अरे रामू उठिए ना, देखिए गुड्डू के ऊपर सीढ़ी गिर गया है, बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, गुड्डू को जल्दी से उठिए। अरे हाँ हाँ राधा उठता हूँ। हे भगवान ये लड़का सीढ़ी पे क्यों आ, सीढ़ी के नीचे कैसे आया, ये यहाँ क्यों जा रहा था, हे भगवान मैं जल्दी से सीढ़ी उठाता हूँ, कितना सीढ़ी भारी है। हाँ। और इधर रामू सीढ़ी उठाने लगता है
और इधर रामू सिर उठा देता है, ये भगवान कितनी चोट लगी है मेरे बच्चे को, गुड्डू को कितनी चोट आई है, रामू कुछ करिए ना, देखिए गुड्डू को कितना चोट लगी है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे राधा परेशान मत हुआ, जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करो, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आ जाए, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊँगा, जल्दी से फ़ोन करो। ठीक है रामू मैं अभी फ़ोन करती हूँ। और इधर राधा एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर देती हैं, अरे डॉक्टर मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, मेरे बच्चे को जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए, 108 जल्दी से भेजिए। मैं और इधर राधा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और हॉस्पिटल फ़ोन कर देती है, राजू मैं फ़ोन कर दी हूँ, एम्बुलेंस आ रहा है, मेरा गुड्डू मुझे बला जगा रहा था, मैं उठी क्यों नहीं, मेरा गुड्डू। और इधर राधा अपने गुड्डू के और इधर राधा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और गुड्डू के लिए रोने लगती है, मेरा गुड्डू। और इधर एम्बुलेंस आ जाता है, अरे राधा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हमारे गुड्डू को ठीक हो जाएगा, हमारा गुड्डू। अरे के पीछे से जल्दी से चारपाई निकालती हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है बच्चे का, बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, मैं जल्दी से चारपाई निकालती हूँ, उस पर लेकर आ जाते हैं। अरे मैं जल्दी लेकर जाती हूँ, इसमें बच्चों को डालकर जल्दी से एम्बुलेंस में ले आती हूँ बच्चे को। अरे जल्दी से लेकर चलिए, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। और इधर रामू और नर्स दीदी चारपाई में गुड्डू को सुला कर ले आते हैं, जल्दी से लेकर चलिए एम्बुलेंस में, ऐसे सुला दीजिए। चलो बच्चे को और इधर एम्बुलेंस के अंदर गुड्डू को सुला देते हैं, चलो दरवाज़ा लगा देती हूँ। अरे आप किसको जाना है, जल्दी से आ जाइए एम्बुलेंस के अंदर, मैं अभी गाड़ी निकालेगा ड्राइवर, जल्दी से जिसको बैठना है बैठ जाइए। अरे रामू मुझे भी जाना है प्लीज़, मेरे बच्चे के साथ मुझे भी जाना। अरे हाँ ठीक है राधा, जल्दी से आकर बैठ जाओ, हम निकलेंगे। चलो सब बैठ गए ना, अब गाड़ी निकालते हैं। और इधर एम्बुलेंस आ जाता है। ये थी आज की कहानी दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।